तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम देखिए एक प्रीव्यू पर हैं। आप भी ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको यही करके दिखाऊंगा आप कैसे एक शॉर्टलिंग वेबसाइट बनाएं और उससे अच्छे कैसे पैसे कमा सकते हैं। यही पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हाउ टू मेक यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट एंड मेक मनी। फर्स्ट बाय ए डोमेन, मतलब एक डोमेन खरीदे आप गोडेडी से ले सकते हैं एक डोमेन। नंबर टू पर है बाय होस्टिंग, एक होस्टिंग खरीद ले आप। नंबर थ्री पर है कनेक्ट देम, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करिए आप। तो नंबर फोर तो मैं तो चलिए अब वहाँ पर चलते हैं। तो ये है मेरा डोमेन mydigitalknowledge.com। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसे मैं कट कर देता हूँ, देख लीजिए आप। ये है माई डिजिटल नॉलेज, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या आता है। देखिए ये आ रहा है। देखिए मैं इस तरह की वेबसाइट बना के दिखाऊंगा आपको। ये है माई टी वर्ल्ड शॉर्टनर शॉर्ट यू वर्ल्ड स्क्रिप्ट। देखिए ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे $35 में ख़रीद लीजिए यहाँ से। और ये है एड फ्लाई लिंक मोनेटाइज योर शटनर, ये $59 में है। देखिए ये है $59 में, ये है $35 में। आप खरीद लीजिए दोनों में से किसी एक को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय शॉर्ट यूआरएल स्क्रिप्ट। तो खरीद लीजिए एक। तो इसके बाद हम चलते हैं आवर। तो इसे मैं कट कर देता हूँ। तो बाय कर लीजिए आप। तो यहाँ पर ख़रीदने के बाद आपको माई टी यूआरएल टोकन मिलेगा, एक एक फाइल मिलेगा और एक देखिए डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, मतलब लाइसेंस मिलेगा आपको एक। तो यहाँ पर हम चलते हैं सी पैनल पर। यहाँ पर देखिए सी पैनल पर आ गए हैं हम। ये थोड़ा लोडिंग हो रहा है। तो ख़रीदने के बाद आपको ये फाइल मिलेगा, इसे करना है आपको एक्स्ट्रा। देखिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम। ये हो गया एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर मेन पर जाते हैं। इसके बाद ये जो स्क्रिप्ट है ना उसे अपलोड करना है आपको। तो यहाँ पर माइटी और शॉर्टनर को अपलोड करना है आपको। चलते हैं फाइल मैनेजर पर। तो यहाँ पर आ गए हम फाइल मैनेजर। देखिए ये है डोमेन कैसा दिख रहा है। देखिए ये है पब्लिक एचटीएमएल पर चलते हैं हम। इसके बाद यहाँ से अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड कर देते हैं हम। डेस्कटॉप पर चलते हैं, डेस्कटॉप पर है फाइल हमारा। तो यहाँ से देख के चलते हैं इस पर। इसके बाद मेन पर माई टी वर्ल्ड शॉर्टनर, इसे हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर अपलोड हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप थोड़ा वेट कीजिए। ये 35 MB का है शायद, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। तो सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर अपलोड हो रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोनों स्क्रिप्ट का लिंक, आप वो यहाँ से ख़रीद लीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर अनजिप द स्क्रिप्ट, मतलब जो स्क्रिप्ट मिलेगा उसे अनजिप करें। इसके बाद अपलोड, मतलब मेन में जाकर जो स्क्रिप्ट है ना रियल स्क्रिप्ट माई टी यूआरएल स्क्रिप्ट उसे अपलोड करना है आपको पब्लिक एचटीएमएल में। तो यह पर अपलोड हो रहा है अभी भी। देखिए इसके अंदर इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेन में जाकर इसे आपको अपलोड करना है। तो यह पर अपलोड हो रहा है, अपलोड द स्क्रिप्ट इन ये पब्लिक HTML 7 नंबर। तो ये हमारा अपलोड हो गया है अभी। तो इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं, इसे हम रिफ्रेश करेंगे। चलते हैं पब्लिक HTML पर। देखिए यह जिप अपलोड हो गया है, इसे कर लेते हैं हम एक्स्ट्रा किया से पब्लिक HTML में। देखिए एक्स्ट्रा कर लिया।
देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सट्रैक्ट, नहीं यहाँ पर स्क्रिप्ट पर लिख देता हूँ मैं, जिप में आपको अपलोड करना है एक्सट्रैक्ट द फाइल, मतलब जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है पब्लिक एचटीएमएल में। इसके बाद 8 नंबर, इसके बाद देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। इसके बाद ये है माई फोल्डर, इस पर एक्सट्रैक्ट हुआ है। इन सबको मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, इनको मैं मूव कर लेता हूँ। आपको आपको मूव करना है पब्लिक एचटीएमएल में, देखिए पब्लिक एचटीएमएल में आपको मूव करना है इनको। मूव हो गया है पब्लिक एचटीएमएल में। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मूव फाइल्स टू पब्लिक एचटीएमएल। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पर मूवी लिख लिया है, ये मूव होगा तो 9x9 है। तो यहाँ पर जो डॉट एक्स टी, देखिए एच टी एस एस डॉट टी एक्स टी जो है ना, इसे करना है आपको डॉट एच टी एक्स एस, समझ गए आप। इसे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ मैं लिखने के लिए। देखिए ये हो गया और ये गायब हो गया है। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीनेम, रीनेम द डॉट नहीं एच टी एक्स एस डॉट टी एक्स टी टू डॉट एक्स टी एक्स एस नंबर 10। इसके बाद हम आते हैं, देखिए यहाँ पर लगभग हो गया है। अभी हम चलते हैं, इसे मैं ऐसे कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लेता हूँ कुछ आया है कि नहीं। देखिए अब मैं चलते हैं माई एस क्यूएल डेटाबेस पे, चलिए चलते हैं इसके अंदर। देखिए अभी तक कुछ नहीं आया, वेबसाइट इज कमिंग सून आ रहा है। ठीक है लिख के देखता हूँ इंस्टॉल डॉट स्लैश इंडेक्स स्लैश, देखिए यहाँ पर कुछ आता है कि नहीं है। अभी नहीं आया, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। फिर डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम। देखिए माई एस क्यूएल डेटाबेस पर जाना है आपको, गो टू माई एस क्यूएल डेटाबेस नंबर 11 मे के डेटाबेस, यहाँ पर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए क्रिएट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस पर एक लिख दीजिए आप यहाँ पर, और क्रिएट डेटाबेस कर दीजिए। तो यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, स्लो है इंटरनेट बहुत। तो यहाँ पर कि ये हो गया है एडिट टू एडिट द डाटा बेस, गो बैक चलिए अब। तो यहाँ पर आपको देना है यूज़र नेम, डाटा बेस का यूज़र नेम, देखिए यहाँ पर दे दिया मैंने। इसके बाद आपको देना है पासवर्ड। तो यहाँ पर सॉरी दोस्तों, मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है, माफ़ कर दीजिए इसलिए। तो पासवर्ड दे दिया मैंने, यहाँ पर कर देते हैं क्रिएट यूज़र, ये हो रहा है क्रिएट यूज़र, गो बैक, इसके बाद गो बैक करते हैं। इसके बाद देखिए ऐड यूज़र टू डेटाबेस पर करते हैं ऐड, ऑल प्रिविलेज क्लिक करना है, मेक चेंजेस, गो बैक। तो यहाँ पर हो गया हमारा डेटाबेस क्रिएट, देखिए करंट यूज़र्स और करंट डेटाबेस हो गया है क्रिएट। तो अब हम चलते हैं इस पर, फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखिए हो रहा है रिफ्रेश। देखिए ये आ गया इंस्टॉलेशन वेलकम, देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस अब आ गया है, अब यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हम लिख देते हैं आफ्टर क्रिएटिंग डाटाबेस द इंस्टॉलेशन ऑप्शन विल कम, मतलब
डाटाबेस क्रिएट करने के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इंस्टॉल करना है आपको, क्लिक करना है इस पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर लोकल होस्ट डाटाबेस यूज़र नेम डाटाबेस पासवर्ड देना है। लोकल होस्ट तो है यहाँ पर, यहाँ पर आपको देना है डाटाबेस यूज़र नेम। देखिए यह है डाटाबेस यूज़र नेम जो हमने दिया था, यहाँ पर डाटाबेस यूज़र नेम। इसके बाद हमको देना है डाटाबेस यूज़र नेम पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने डाटाबेस क्रिएट करते वक्त दिया था। तो यहाँ पर है करेंट डाटाबेस, यहाँ पर डाटाबेस नेम। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर से हम सबमिट कर देते हैं, हो गया है सबमिट। तो वहाँ पर देखिए पर आपको क्लिक करना है बिल्ड डाटाबेस, जो डाटाबेस बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गिव डाटाबेस नेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मतलब डाटाबेस क्रिएट करते वक्त जो अपने नाम यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था वही आपको वहाँ पर डालना है। नंबर 14, तो यहाँ पर आपको एडमिन यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब आपका ईमेल देना पड़ेगा, यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा और यहाँ पर एडमिन क्रिएट हो जाएगा। देखिए आफ्टर डेथ क्रिएट एडमिन यूज़र, देखिए यहाँ पर आपको ईमेल देना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर अपना ईमेल दे देता हूँ। यूज़र नेम देना पड़ेगा आपको, यूज़र नेम मैं दे देता हूँ पेपन माई URL। यहाँ पर पासवर्ड देना है आपको, पासवर्ड तो कॉन्फर्म पासवर्ड। यहाँ पर से देखिए सबमिट करना है आपको कि ये हो गया हमारा। देखिए इंस्टॉलेशन, देखिए इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। यहाँ पर से आपको एक्सेस होम और एक्सेस डैशबोर्ड मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको देखिए ये हो गया आपका माइटी वेल शॉर्टनर। यहाँ पर से आप एडमिन के तौर पर लॉगिन हो रहे हैं। तो पासवर्ड थोड़ा गलत है तो हम पासवर्ड को टिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर से साइन इन हो जाते हैं। देखिए हम पहुंच गए अपने वेबसाइट पर, देखिए एडमिन डैशबोर्ड पर है हम। देखिए देखिए एडमिन डैशबोर्ड, यहाँ पर से आप एक्सेस डैशबोर्ड करना है आपको। देखिए यहाँ पर गो टू एक्सेस डैशबोर्ड। एक्सेस डैशबोर्ड का मतलब यह है कि आप यूज़र डैशबोर्ड मतलब एडमिन डैशबोर्ड पे आप पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पर है पर्सनल टोकन और परचेस कोड, ये दोनों आप जब खरीदेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ गिव पर्सनल टोकन एंड परचेस कोड, तो लिख दिया मैंने। तो अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है कैसे आप पर्सनल टोकन और परचेस कोड ले सकते हैं। आप जब खरीदेंगे तो इसके साथ ही आपको पर्सनल टोकन और परचेस कोड मिल जाएंगे। यहाँ पर पर्सनल टोकन और परचेस कोड डालते ही आपको वेबसाइट एक्टिव हो जाएगा, समझ गए हैं आप। देखिए मेरे पास ये है माइटी यूरल टोकन है, ये टोकन ही मतलब पर्सनल टोकन है, और ये जो है ना ये है यहाँ पर है आपका परचेस कोड, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पर आपको मिल जाएगा परचेस कोड। परचेस कोड और पर्सनल टोकन डालते ही आपको वेबसाइट एक्टिव हो जाएगा, समझ गए। और आप इसमें एडसेंस का ऐड लगाकर पैसे कमा सकते हैं और आप एक शॉर्ट लिंक वेबसाइट बनाने में सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं फिर से वहाँ पर। देखिए आप यहाँ से ख़रीद लीजिएगा इन दोनों को, देखिए माइटी यूआरएल शॉर्टनर आप ख़रीद लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए यहाँ पर है $59। अगर आप कोई और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं इस वेबसाइट के संबंध में तो कमेंट करिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे।
कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट बनाने में तो हमें कमेंट करिए, हम आपकी सहायता करेंगे। तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत किया है तो एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबा सकते हैं आप चाहे तो अगर। तो दोस्तों थैंक यू।